कल वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि लोग लाशों की तरह पड़े हैं, यहाँ भी उसी तरह जो है ना। इमरान खान इज गुड पर्सन। समंदर में नहाने के बाद वो लोग यहाँ पे आके नहाते हैं। दिखाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना शहर से चट्टाग्राम से हेलो तो पाकिस्तान, हेलो पाकिस्तान, हेलो पाकिस्तान। तो ठीक रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। व्लॉग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ लगे बैल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो जी आज जो है मैं आया हुआ हूँ शेराटन होटल शारजा में। आज आपको इसकी सैर करवाऊँगा अंदर से बाहर से, बीच की, पूल्स की, लॉबीज़ की और कैफेटेरिया की। तो आप पे है कि आपने सारी वीडियो देखनी है, क्योंकि आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन करने वाला हूं, क्योंकि इस होटल में जो है ना वो सिर्फ गोरों की एंट्री है। तो मैं आज अंदर जा रहा हूं और दिखाता हूं कि एशियन और पाकिस्तानी भी अंदर जाके किस तरह से इंजॉय और वीडियोज़ शूट कर लेते हैं। तो चलिए ये है शेराटन होटल। बहुत ही बड़ा होटल है अंदर से और बाहर से भी बड़ा होटल है। इसकी जो है ना सारी डेकोरेशन जो है ना वो आर्किटेक्ट जो है वो सारा अरेबिक स्टाइल में जो है ना इसको बनाया गया है। बाहर जो है ना ये पाम के दरख्त हैं काफ़ी तादाद में। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए या रहने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही बड़ा होटल है। अभी अंदर भी जाएंगे अभी, लेकिन बाहर से मैं थोड़ा सा आपको दिखा लूँ। ये होटल के मेन गेट पे जो लगे हुए फवारे हैं वो चल रहे हैं और पानी नीचे बह रहा है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे जो है ना वो तस्वीरें बनाने के लिए आए हुए हैं और तस्वीरें बना रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी हैं, वो तस्वीरें बना रहे हैं। ये इसका फवारा है और ऊपर से इसका व्यू लेते हैं। ये बाहर से थोड़ा सा जो रोड साइड है वहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया है। बोलो कैसे हो भाई, ठीक हो? बंगाली हो? यस। कहाँ से? बंगाल कहाँ से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश कहाँ से, कौन से शहर से? चट्टाग्राम। चट्टाग्राम से हेलो तो पाकिस्तान, हेलो पाकिस्तान, हेलो पाकिस्तान। तो ठीक, ये जो है बंगाली थे, वो कह रहे थे कि मैंने भी जाना है। चलो थोड़ा सा वो भी आ गए हैं, तो अभी थोड़ा सा ऊपर से जो है ना वो दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह चलते हैं अंदर और दिखाएंगे कि अंदर से जो होटल है वो किस तरह का है और क्या क्या है होटल के अंदर। ये जो सीढ़ियों से ऊपर है ये पहला पोर्शन है इसका। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, बने हुए हैं, ये यहाँ पे लोग जो है ना खड़े होते हैं, इंतज़ार करते हैं, वो वहाँ से सीढ़ियाँ आती हैं। और ये जो है मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस है जहाँ से लोग गाड़ियाँ जो है ना ऊपर जाती हैं, और वो सामने जो है वो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जहाँ से लोग जो है ना सीढ़ियाँ इस्तेमाल के आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये शेराटन होटल का जो है ना मेन व्यू था। अभी अंदर चलेंगे। तो ये था होटल का जो है ना बाहर का व्यू, और अभी बहुत हो गया बाहर का, अभी चलेंगे इंशाल्लाह अंदर और आपको दिखाएंगे कि अंदर से होटल किस तरह का है और किस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। तो चलिए पहुंच चुका हूं शेराटन होटल की जो बीच है वहां पे। कुछ दिन पहले जो आपको मैंने वीडियो दिखाई थी वो थी एक इटालियन होटल का प्राइवेट रिजॉर्ट था, और ये भी जो है ना एक प्राइवेट बीच है उसकी, शेराटन होटल की। मेरे पीछे आप शेराटन होटल देख रहे हैं, और पीछे जो है वो कल वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि लोग लाशों की तरह पड़े हुए, यहाँ भी उसी तरह जो है ना लोग लाशों की तरह पड़े हुए हैं। क्योंकि मेरी पॉलिसी है कि मैं इस तरह की वीडियोस जो है ना अपलोड नहीं करता, और ना खुद देखूंगा और ना दिखाऊंगा, लेकिन आपको सी भी दिखाऊंगा
और चेयर दिखाऊंगा और होटल दिखाऊंगा। ये जी शेराटन होटल की बीच है, लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। वो सामने कॉर्निश बीच है, मारते हैं वो पहले भी मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पे जो गोरे बच्चे हैं वो बना रहे हैं एक रेत का किला, तो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। नंगे पड़ंगे जो है ना रेत का किला बना रहे हैं। व्हेन यू स्टार्ट दिस, व्हेन यू फिनिश इट, यू डोंट नो। ओके, से यू कांट से एनीथिंग। ओके, तो ये अभी ये कौशल जो है ना वो बना रहे हैं, जब फिनिश होगा तो वो कम अगेन, व्हेन यू फिनिश आई कम अगेन। ओके, इमरान खान इज गुड पर्सन, यू डोंट नो इमरान खान। ओके, ये इस होटल का जो है ना वीआईपी लाउंज है, क्योंकि पहले जो आपको मैंने दिखाई थी वो चेयर लगी हुई हैं वहाँ पे, बीच का होटल का नहीं, बीच का जो है ना वीआईपी लाउंज है। पहले आपको मैंने दिखाई थी कि वहाँ पे जो है ना वो चेयर्स लगी हुई हैं, वहाँ पे लोग सन बाथ ले रहे हैं। जब वहाँ से थक हार के और आराम करना, मज़ीद जो है ना अच्छा आराम करना चाहते हैं तो वो इस जगह पर आते हैं। यहाँ सोफे वगैरह लगे हुए हैं, ये देखें मेरे चारों साइड पे सोफ़े भी लगे हुए हैं और मैं भी एक सोफ़े पे ही बैठा हुआ हूँ। अभी जाएंगे ऊपर जो पूल्स हैं, जो तालाब हैं वहाँ पे देखते हैं। असल में यह पता क्या है, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं वो दिखाता कि वहाँ पे वो आप समझ जाएं, तो कोशिश करूँगा साइड साइड से जो है ना दिखाता चलूँ। वो सामने जो इटालियन रेस्टोरेंट की और रिज़ॉर्ट की बीच है वो आप देख चुके हैं, और ये शेराटन की है रिज़ॉर्ट और बीच ये है। यहाँ पे जो है ना वो चेयर्स लगी हुई हैं और लोग बैठकर धूप में इंजॉय कर रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं, क्योंकि इनके ममालक में ज़्यादातर सर्दी होती है, इसलिए ये लोग यहाँ पे आके जो है ना सन बाथ लेते हैं। होटल की लॉबी है यहाँ पे, अभी तो क्योंकि दिन का वक्त है कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है, लेकिन रात को काफ़ी चहल पहल होगी इंशाल्लाह। कभी रात को चक्कर लगा तो फिर देखेंगे इसको भी। ये बिल्कुल एक छोटा सा पूल बना हुआ है जहाँ पे जो छोटे बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना 4-5 साल के, वो यहाँ पे आके नहा सकते हैं। ये सबसे छोटा पूल है यहाँ पे, ये इस तरह के बच्चे जो है ना वो वहाँ आके नहा रहे हैं। ये मेरे पीछे जो है ना वो दूसरा पूल है जहाँ पे लोग पहले नहाने जाते हैं वहाँ पे समंदर में नहाने के बाद वो लोग यहाँ पे आके नहाते हैं। दिखाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट आपको बीच बीच में से दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। ये भी जो है ना देखे वहाँ जो पहले दिखाया था उसकी तरह यहाँ पे, क्योंकि यूएई अरब अमारात में जो है ना और अरब ममालिक में ज़्यादातर जो है यहाँ पे खजूरें हैं, और यहाँ भी उसी मुनासबत से बहुत ही ज़्यादा खजूरों के दरख्त हैं। नीचे जो है ना वो पूल्स हैं जहाँ पे लोग नहा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। अभी जी पूल वगैरह जो है वो देख लिए हैं और मैं दोबारा से अंदर आ गया हूँ, क्योंकि अभी आपको अंदर से दिखाना रह गया था, मैं चला गया था डायरेक्ट जो है ना पूल की तरफ। अभी मैं अंदर से थोड़ा सा आपको इसका व्यू देता हूँ। अभी मैं सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ी सीढ़ी, उन्होंने मखमल के जो है ना वहाँ पे कारपेट बिछाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मखमल के यहाँ पे कारपेट हैं दूर तक जो है ना, बड़े खूबसूरत उन्होंने, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने इस होटल को सजाया हुआ है। ये है मेन एक गली है जिसकी चारों तरफ जो है ना वो कमरे हैं, रहायशी कमरे हैं, बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा इन्होंने जो है ना यहाँ पे लगाया हुआ है म्यूज़िक। इस वक्त जो है ना मैं होटल का जो है ना मेन कैफ़े वहाँ पे बैठा हुआ हूँ और आपको दिखाता हूँ कैफ़े किस तरह का है। मेरे पीछे जो है ना रोशनियाँ हैं, इसलिए वो सारी रोशनियाँ जो है ना मेरे चेहरे पे पड़ रही हैं, हो सकता है इस वक्त वजह से पिक्चर सही तरह से ना बने, लेकिन बनाना तो है ना, दिखाना तो है।
ये होटल का गेस्ट रूम है। इस तरह के जो है ना काफ़ी यहाँ पे गेस्ट रूम्स हैं। तो अभी ऊपर मैं जा रहा हूँ जहाँ पे जो है ना काफ़ी दुकानें भी हैं, क्योंकि हर होटल में जो है ना तकरीबन दुकानें भी होती हैं। तो ये इस होटल में जो है ना इसका क्या कहते हैं रूम होगा। हेलो, ये है इस होटल की दुकानें, मेरे ख्याल से अभी बंद है, तो किसी और टाइम आके आपको दिखाऊंगा। बड़े प्यारा इन्होंने यहाँ पे म्यूज़िक जो है ना लगा रखा है। तो जी आज का व्लॉग है उसे करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपने इंजॉय किया होगा देखकर, क्योंकि मैंने तो बहुत इंजॉय किया है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, देखने सुनने वालों के लिए बहुत सा प्यार। अल्लाह हाफिज़।